हम बात कर रहे हैं सन 1989 की, जब बिहार के रानीगंज ज़िले में एक खान में बड़ा हादसा हो गया। यह मूवी सत्य घटना पर आधारित है। यहाँ काले सोने की खानें अधिक संख्या में पाई जाती हैं। फिल्म मिशन रानीगंज, मूवी स्टार अक्षय कुमार, परिणीति चोपड़ा, रवि किशन, कुमुद मिश्रा। और मूवी को यहाँ पर डायरेक्टर हैं टीनू सुरेश देसाई, मूवी क्रिएटर पूजा एंटरटेनमेंट। मिशन रानीगंज की कहानी की शुरुआत होती है नवंबर 1989 से, जब सुबह सुबह पश्चिम बंगाल के रानीगंज की महावीर कोयला खाद्यान्न में 65 मजदूरों के फंसने की खबर आती है। अपने नियमित कामकाज के तहत लगभग 250 मजदूर खान में गए थे, मगर खदान में होने वाले विस्फोट के कारण वहां बाढ़ आ जाती है। 179 मजदूर किसी तरह अपनी जान बचाकर खदान से निकलने में कामयाब रहते हैं, जबकि 65 मजदूर वहीं फंसे रह जाते हैं। खदान में तेज़ी से बढ़ते पानी के कारण 6 मजदूर अपनी जान गंवा बैठते हैं। पूरे इलाके में मजदूरों के परिवार में हाहाकार मच जाता है। स्थिति तब विकट रूप धारण कर लेती है जब कहानी में एंट्री होती है माइनिंग इंजीनियर जसवंत गिल की। जसवंत गिल की निर्दोष से शादी हो चुकी है, वो पिता बनने वाला है, मगर यहाँ वो अपने फर्ज को अंजाम देने आया है। खदान में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने की सारी तरकीबें नाकाम होती नज़र आती हैं। तब जसवंत गिल एक ऐसी युक्ति बताते हैं, ऐसा तरीका जो मजदूरों को रेस्क्यू के लिए पहली बार इस्तेमाल होगा। वह ज़मीन में एक कुआं खोदकर विशेष रूप से तैयार किए गए एक कैप्सूल के रेस्क्यू प्लान बनाते हैं। 3 दिन तक चलने वाले इस मिशन में उसे कारोबारी रंजिश के तहत लोकल पॉलिटिक्स का शिकार होना पड़ता है। उसके इस रेस्क्यू ऑपरेशन को नाकाम करने की हरचंद कोशिश की जाती है। नीचे खान में पानी का स्तर बढ़ने लगता है और जहरीली गैस बनने लगती है। मान लिया जाता है कि मजदूरों की समाधि उसी खाद्यान्न में तय है, मगर गिल अपनी जान को जोखिम में डालकर कैप्सूल से नीचे खाद्यान्न में जाते हैं और देश के सबसे मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। वह मजदूरों को बचाकर सच्चा नायक साबित होता है। विपरीत हालात में मजदूरों की जान बचाने के एवज में 1991 में जसवंत गिल को इसी बहादुरी के लिए राष्ट्रपति की ओर से सर्वोत्तम जीवन रक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ऐसी कहानी है मिशन रानीगंज की।